लेकिन इससे पहले कि आप लोगों ने एकदम देख ली थी और इस पर फैसला कर लिया था कि मूवी को पाकिस्तान में चलने देना है या सेंसर करके चलने देना है, इस स्टेज पर पहुंच गया था यह मामला? मेरा पहले शहजाद के सामने को चेक किया, सबसे पहले मुझे बता देता हूँ कि मेरा नहीं था कि फाइटर की एप्लीकेशन उसकी सबमिट हुई थी और या उसको किसी ने बोल दिया था पाकिस्तान है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, जो बुरी चीज हुई है फाइटर के साथ ये है कि आप जो उसकी बॉक्स ऑफिस रिजल्ट देख रहे हैं, ये हिस्टोरिकली प्रूवन है कि जब भी पाकिस्तान बैशिंग फिल्म बनाई गई है तो उसके नतीजे बॉक्स ऑफिस पे कभी खास नहीं है। और बाकी आपको जल्दी से रिकैप करना चाहूँ कि पैटर्न के अलावा अगर आप माजी जाएं, हाल ही में मेरी थी जिसमें पाकिस्तानी एक्टर्स भी थे, मैंने उसको जब हमने रिव्यू किया था मैंने उसमें बड़ा सख्त वोट लिखा था उसकी एप्लीकेशन के ऊपर, तमाम बोर्ड मेंबर्स ने भी बड़े स्ट्रांग उसके ऊपर अपने रिमार्क लिखे थे। उससे पहले एक का टाइटल भी पाकिस्तान में बैन हुई, एजेंट विनोद भी बैन हुई, और आपको ये बताऊं कि जी आई जो रिटेलिएशन बॉलीवुड की फिल्म वो भी पाकिस्तान में बैन हुई थी सीन की वजह से। फिल्म के शुरू में एक सीन था, सिर्फ एक ही सीन था जो पाकिस्तान का उन्होंने दिखाया था, उसकी वजह से हमने बैन कर दी थी। तो आपको बताना चाहूँ कि ऐसी वो नहीं है। मैं थोड़ा सा, मुझे एक छोटा सा मुझे ये जरूर है, फैंटम के बारे में अगर हम सब ने इतना शोर ना मचाया होता तो ये फिल्म वैसे ही अनमोल थी। जब आप याद रखिएगा कि पूरी दुनिया में फिल्म इंडस्ट्री के लिए प्रमोशन के लिए मार्केटिंग के लिए एक बहुत बड़ा बजट जो है वो साइड पर रखा जाता है। आजकल फिल्म अगर जो है वो 10 करोड़ की बनाई जाती है तो 3-4 करोड़ रुपए यानी 30-40% उसकी कॉस्ट का पैसे जो है वो मार्केटिंग और प्रमोशन के लिए रखे जाते हैं। और अगर कोई कॉन्ट्रोवर्सी हो जाए तो वो फ्री की प्रमोशन है क्योंकि वो खबरों की हेडलाइन पे पहुंच जाती है, सोशल मीडिया पे पहुंच जाती है, उसको वायरल हो जाती है। जब फैंटम को हमने कॉन्ट्रोवर्शियल बना दिया, कुछ भी करने की जरूरत, पाकिस्तान के मोशन पिक्चर है 2012 के तहत फिल्म में वैसे ही नहीं करना था। पाकिस्तान कानून बड़ा क्लियर है इसके बारे में, ये कोई मेरी चॉइस नहीं है कि कौन सी फिल्म को इजाजत मिलेगी और नहीं मिलेगी और वो लेगी, ये कानून का मामला है। कल को कोई और भी मेरी जगह पे होगा उसको भी वही फैसला लेना पड़ेगा जो कानून उसको कहता है। तो हमें कुछ करने की जरूरत थी, हाईकोर्ट को कुछ करने की जरूरत नहीं। क्यों आपने जब उसको बैन किया, हाईकोर्ट ने उसको बैन किया, तो ये लोग क्या करते हैं? ये एक से बात है, बड़ी जरूरी बात है, ये उसको इस्तेमाल करते हैं। देखें जी पाकिस्तान का रिएक्शन, देखें जी इन्होंने इनको क्या तकलीफ हुई है, देखें जी इन्होंने ये क्यों बैन किया, देखें जी वो इंटरनेशनल न्यूज बन जाती है, जरूर मैं तेरे को आते प्रमोशन में वो फिल्म में वैसे ही मर जाना था, मर गई बॉक्स ऑफिस में मर गई। पर ये सैफ अली खान के लिए पहला लेसन नहीं है कि जब उन्होंने वो ट्रेवल एजेंट विनोद बनाई थी उसमें इसके बाद कल्चरल आपका वहां पहला, ये कल्चरल बहुत पहले तो बहुत पहले से हो रही है चला जी। मैंने इसमें पंडित से बात करनी हो कल्चरल वॉलपेपर पर, लेकिन मुझे आप बता जब कहते हैं कि फिल्म खुद मर जाती है इसका मतलब ये आप कह रहे हैं कि सिनेमा से लगती है और फिर मर जाती है? आप कह रहे हैं कि वैसे भी सिनेमा से लगी नहीं थी, चाहे लाहौर हाईकोर्ट उसको बैन करता है या नहीं करता? चुनाव भी करें सिर्फ हम तुम्हारा यही बात हूँ आपकी, अगर लाहौर हाईकोर्ट उसको बैन ना भी करता, एक से हमला अगर लाहौर हाईकोर्ट अगर इसको लाहौर हाईकोर्ट बैन ना भी करता तो बाय मोशन पिक्चर एक्ट 2012 पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के खिलाफ कोई मटेरियल सिनेमा में नहीं जा सकता। इस फिल्म में वैसे ही हमने उसको सर्टिफिकेशन मिलनी थी, इसमें कभी भी पाकिस्तान के सिनेमा घरों में नहीं पहुंचना था। हमें ये इतना ज्यादा इसको रिएक्शन लेने की जरूरत नहीं थी, सामान से काम हो जाता हमारे उसमें कोई भी नहीं होती। जहां तक हमला की बात है कि एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल नहीं है और उसमें अगर लोगों का रद्द अमल है तो बिल्कुल सही है, बिकॉज ये तो बिजनेस मेकिंग स्टेटमेंट है। पाकिस्तान जिब्रान नासिर साहब की तरफ मौका दूं, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू दे दीजिए। जी अंकल, इसमें छोटी सी बात ऐड करूंगा कि एजेंट विनोद बैन हुई, इतनी सारी चीजें बैन हुई, कभी इतनी बड़ा रिएक्शन नहीं आया और हमें पता है कभी बैन होती है। बट ये इसका स्पार्क पॉइंट है ना, क्योंकि 15 अगस्त को बैन हुई थी फैंटम और किसी ने शोर नहीं मचाया कि सैफ अली खान का बयान था जो आपके हर न्यूज़पेपर ने कवर किया, आपके हर नए इंटरव्यू ने कवर किया, ये उसका रिएक्शन है दैट गॉट डाइवर्टेड टुवर्ड्स फैंटम व्हिच इज जस्टिफाइड। ठीक है, मुझे दोनों चीजों पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दें। शहजाद एक छोटा सा जुमला मैं यहाँ पे इंटरजेक्ट कर दो, शहजाद मैं इंटरजेक्ट कर दूँ एक छोटी सी बात। हमारी हमें अपनी फिल्म पॉलिसी को और अपनी कल्चरल पॉलिसी को रिविजिट करना पड़ेगा फेडरल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, और बहुत सारी चीजों को एड्रेस करना
करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सैफ अली खान जो है हमारे ही मुल्क में जो प्रोडक्ट बेचे जाते हैं उनके इश्तेहारों में भी वही है, हमारी दूसरी चीजों जो उसमें उनका जिंदगी का इन लोगों के सबका जो बॉलीवुड की पर्सनैलिटीज है उनका इतना ज्यादा करना करना है, मोबाइल फोन भी वही बेच रहे हैं, हेड एंड शोल्डर भी वही बेच रहे हैं, दूसरी चीजें वही बेच रहे हैं, तो हमें इन चीजों को भी रिविजिट करना पड़ेगा। क्योंकि जैसी मर्जी फिल्म बनाए मगर हिंदी पर भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं और इसके बाद जो हमका कहते हैं कि हम आपस में ही जो है अपने ओपिनियन पे लड़ पड़े हैं। मैंने आपका भी आज एक सोशल मीडिया पे क्लिप देखा था जिसमें आपने तनकीद की है हमजा पर भी, फैसल कुरैशी साहब पे तनकीद की और आपने शाम जो एक्टर है पाकिस्तान के उनकी भी तनकीद की आपने। मुझे लगता है कि कहने की बात आपने देख लिया से कट जाएगी, राजी रह जाएगी। मैं पहले शुरू करूंगा, हमारा ने बहुत अच्छी बात की सैफ अली खान की, कि सैफ अली खान एक पब्लिक फिगर है, पब्लिक फिगर किसी के कुछ फॉलोइंग होती है तो उसकी बात का कुछ वजन होता है, तो लोग इन्फ्लुएंस होते हैं उससे। तो मजबूत बात इसी है कि अगर मैं पाकिस्तानी हूं ना और पाकिस्तान मेरी माँ है तो सैफ हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान उसकी माँ है। तो अगर दो लोग बैठे हुए हैं और अगर हम समझते हैं कि हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं, महजब हैं, तो अगर कोई मेरी माँ को गाली देगा तो मैं उसके लेवल पे स्टूप करके उसकी माँ के बारे में लिखूंगा, शायद एक जिम्मेदार तरीके से तनकीद करूंगा उसकी बदअखलाकी के बारे में, बदसलूकी के बारे में, सलीके के बारे में। और दूसरी बात ये कि जो हम लड़ पड़े आपस में, मैं अभी तक ऐसे किसी इंसान से नहीं मिला, मेरे कम से कम नहीं आया, नजर से नहीं गुजरा कि किसी ने ये तनकीद की हो कि जी सैफ को बोलने का हक है बोलने दें। हाँ, ये जरूर तनकीद की कि जिस तरह सैफ के बयान पे हमने बतौर एक कौम हिस्सा निकाला और गुस्से के अंदर रेफरेंस इस्तेमाल किए कि क्या जरूरी है सैफ को एक औरत बोल के या उसके जिंस के ऊपर बात करके या उसकी अजवाजी जिंदगी के बारे में बात करके हम अटैक करें, क्योंकि पब्लिक फिगर भी थे ना जो सैफ पे बयान दे रहे थे, उनकी भी बहुत बड़ी फॉलोइंग है। शायद इनमें से कुछ बातें हमजा ने नहीं की, मगर क्योंकि मैंने शान को और फैसल की वीडियो बनाई थी। और दोबारा मैं मूवी पे आऊंगा बहुत मुख्तसर, अगर देखें इसी मूवी से पहले कबीर खान ने एक मूवी बनाई बजरंगी भाईजान, इसमें पाक और हिंदुस्तान मोहब्बत की बात हो रही थी। उस मूवी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हिंदुस्तान में कामयाबी के, और लोग अपनी खुशी से सिनेमा जाते हैं, अपनी खुशी से कोई पसंद करते हैं। तो हिंदुस्तान हिंदुस्तान की अवाम क्या सोचती है पाकिस्तान की अवाम के लिए, वो बजरंगी भाईजान की कामयाबी ने बता दिया। और जब आपने फैंटम जैसी बैटिंग फिल्म बनाई और बुरी तरह फ्लॉप हुई, और साथ साथ मैं अपनी आर्मी से भी कमेंट करूंगा सर, माशाल्लाह से पाकिस्तान के जवान जो हमारी हमारा दिफा करते हैं और हमें नाज और फखर है उनके ऊपर, मुझे बड़ी अजीब सी कहते थे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जवानों पर, ये दोनों जब यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग मिशन में जाते हैं तो अफ्रीका में सीरिया लियोन में जाते हैं, ये साथ काम कर रहे होते हैं। कभी कमांडिंग ऑफिसर कोई इंडियन होता है ट्रुप पाकिस्तानी होते हैं, कभी कमांडिंग ऑफिसर पाकिस्तानी होता है ट्रुप इंडियन होते हैं, और साथ बैठ के दूसरे मुल्कों के अंदर अमन की जंग हो रही होती है, पीस कीपिंग हो रही होती है अपनी सरहदों के ऊपर। बिल्कुल मुझे पता है कि दोनों मुल्कों के अंदर ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो लड़वाना चाहते हैं, मगर हम लोग अंदर से जंगजू नहीं है। द गुड पार्ट विच इज इन साइड अस, वी नीड टू हाईलाइट इट एज इंडिपेंडेंट पीपल। दोनों के उसने दिखाया हुआ दोस्ती और एक अच्छा मैसेज दिया, मूवी हिट हुई है। लेकिन ये भी फिर नतीजा हम शायद पहुंच सकते हैं कि अगर इंडिया बार बार एंटी पाकिस्तान फिल्म बनाता है, उसको पता है फिल्म फ्लॉप होनी है, बिजनेस नहीं करना है, तो इसका मतलब उसकी फंडिंग भी किसी सोर्स से आती है, किसी एजेंडा के तहत आती है, उसकी फिल्म आपने बना दी है, बेशक बॉक्स ऑफिस में ये फ्लॉप हो जाए लेकिन फिर भी आपने बना दिए। मैं मजीद बात करूंगा, एक ये भी पॉइंट रेज किया कि कल्चर पॉलिसी को रिविजिट करने की जरूरत है, फिर बात होगी ब्रेक लेकर प्रोग्राम में, उसके बाद आपके सामने हाजिर होंगे हमारे साथ। आई प्रोटेक्ट प्लस, अपनी ड्रीम्स के लिए आज ही विजिट करें आई मोबाइल कस्टमर केयर सेंटर। आई प्रोटेक्ट प्लस फॉर हायर स्मार्टफोन्स, फील प्रोटेक्टेड। ये आज का प्रोजेक्ट कंप्लीट है, मूवलिंक 3G वायर है, इतना सॉलिड है कि घर के अंदर या बाहर हर जगह बेस्ट है। मूवलिंक 3G ये है असल इंटरनेट। I'm going to go to the hospital.
Bye.